तू मेरी नकल करता है बता दूंगा। Wait a minute. Who are you? Torn apart. I've been torn apart. I'm a fucking loner and I stayed away for life. I'll probably never change even though I like to. Even though I like to. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नाइट्रॉक्स। लेके आया हूं बिल्कुल एक फ्रेश वीडियो जिसका टॉपिक है थिंग्स दैट पबजी कॉपीड फ्रॉम फ्री फायर नंबर वन। अब आप इस चीज को देख रहे हैं, इस चीज को तो अच्छे से भली भांति जानते होंगे कि यह है जिप लाइन। तो जिप लाइन का कॉन्सेप्ट अभी जो पबजी में है वो आया नहीं है, पर इसके बीटा वर्जन में ये बताया है कि ये बहुत जल्द आने वाला है, तो जिसकी झलक आप देख सकते हैं या मैंने वीडियो में आपको दिखाई है। तो इसे देख के आप नहीं कह सकते कि पबजी ने इधर कॉपी किया है। वैसे कॉपी में सही शब्द नहीं कहूँगा, एक इंस्पिरेशन बोल सकता हूँ। सो क्या करें, गिरना भी अपनी पबजी पे केस ठोक दे। आप खुद ही देख लीजिए कि ये कॉन्सेप्ट कॉपी किया हुआ लगता है या नहीं, कमेंट में बिल्कुल बताइएगा। नंबर टू, स्केटबोर्ड। अब ये चीज को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हम प्लेन से जैसे ही निकलते हैं तो स्केटबोर्ड से हम लैंड करते हैं। स्केटबोर्ड के बाद ओपन होता है पैराशूट, फिर हम लैंड करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे यही चीज पबजी के एक मोड में भी यहाँ पे फ्री फायर से इंस्पिरेशन लेके आया गया, जैसा कि आप यहां स्क्रीन पे देख सकते हैं। नंबर थ्री, अब इन भाई साहब को तो आप जानते हैं, क्रोनो, जिसकी कुछ इस तरह की पावर है जिससे पहले क्या होता था, बाहर भी गोली लग जाती थी, लेकिन अभी इसके शील्ड के बाहर फायरिंग करने पे हमें सिर्फ यहाँ पे बचाव मिलता है, हमारी गोली बाहर नहीं आती। इसका भी कॉन्सेप्ट देख लीजिए कि पबजी अपने गेम में ला चुका है, जिसमें कुछ शायद टोकन इकट्ठा करने पड़ते थे और ऐसी शील्ड बन जाती थी जो क्रोनो से बिल्कुल मिलती जुलती है। तो आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं यहाँ क्या हो रहा है, तो मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है नहीं। नंबर फोर, लॉन्च पैड। अब इस चीज को तो जानते हैं ना, तो इसे भी फ्री फायर से बिल्कुल कॉपी किया गया है पबजी में, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये है पबजी का लॉन्च पैड। अब ये थोड़ा सा डिफरेंस है, पर इतना भी नहीं है, सीधे से दिखता है कि ये कहाँ से उठाया हुआ है। अब देखो इसमें कैसे जा रहा है। ओ भाई देखो, अब ये नीचे की तरफ लैंड होते हुए दिख रहा है हमें। तो फ्री फायर में इसका थोड़ा सिंपल वे है, बाकी ये भी देख सकते हैं कि सीधे सीधे कहाँ से ये इंस्पिरेशन ली गई है, फ्री फायर से। तो इसे भी हम कॉपी का तो एक तरीका बोल ही सकते हैं चाहे तो, पर नहीं, हम इंस्पिरेशन बोलेंगे क्योंकि हम गेमर से, हम यहाँ पे नफरत को स्प्रेड नहीं करते हैं। तो देखिए कैसे लैंड हो रहा है ये, यहाँ पे ये पैराशूट का यूज किया। नंबर फाइव, अब इस चीज को भी जानते होंगे, इसे हम कहते हैं ग्लू वॉल, जिसका यूज हम बचने के लिए करते हैं। तो इसके देखा देखी यहाँ पबजी ने भी क्या किया है, यहाँ ग्लू वॉल का इस्तेमाल करना चालू किया। अब इसमें इसका नाम और कुछ है, आई डोंट नो इसको पबजी में क्या बोलते हैं, पबजी इतना खेलता नहीं हूँ। तो देखिए यहाँ पे भी इस चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हमारे फ्री फायर में इस तरह की दो चीज़ें, एक आइस गन से इस तरह की वॉल बनाई जाती है और एक ग्लू वॉल फेंकी जाती है, लेकिन अब यहाँ पबजी में भी आप देख सकते हैं कि सिमिलर चीज़ आपको देखने को मिल रही है। सो ये भी तो सीधी सीधी फ्री फायर की या नकल की गई है, नहीं तो पबजी में आपको पता है ना सांप सांप बनने का खेल चलता था, अभी आप देख सकते हैं। चलो ये तो देख लिया एक, अब ये मेरे को समझ नहीं आया कि ये क्या चीज़ है, जब वो एक चीज़ बनाई तो क्या ये स्किन है या फिर आइस वॉल बनाई है, ये तो आप जानते ही होंगे।
देखिए तो ये चीज भी एक फ्री फायर से ली गई एक इंस्पिरेशन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। नंबर 6, अब ये एक टूर्नामेंट का यहाँ पे वीडियो लिया गया है, पबजी का कोई ऑफिशियल टूर्नामेंट हो रहा था, तो इसमें आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि जैसे फ्री फायर में डैमेज लगने की नंबरिंग आती है, आप सीधे यहाँ देख सकते हैं कि नंबरिंग दिखेगी। सो यहाँ डैमेज का सिस्टम भी ये जो लिया गया है, कहाँ से कॉन्सेप्ट लिया गया है मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं है। अभी देखिए हल्का हल्का डैमेज लग रहा है, तो आप देखिए यहाँ पे डैमेज कितने का लग रहा है वो शो कर रहा है, जो बाय डिफॉल्ट पबजी में शो नहीं करता। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिएगा नाइट्रोस गेमिंग पे इस तरह के और वीडियो के लिए। धन्यवाद।